पूर्वांचल और बिहार की माटी में पैदा हो रहे कलाकारों का गोरखपुर में भोजीवुड बनाने का सपना पूरा हो जाता अगर सरकार थोड़ी सी पहल कर देती। मुंबई की दूरी इन कलाकारों को अखरती है, लेकिन पूर्वांचल एक ऐसा केंद्र है जहां गोरखपुर पूर्वी यूपी और बिहार की जरूरतों को पूरा करने और फिल्म उद्योग की बड़ी संभावनाएं हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भोजीवुड की स्थापना के लिए भोजपुरी कलाकार प्रयास कर रहे हैं। वे सीएम योगी से इसके लिए पहल की पूरी उम्मीद भी करते हैं। हम लोगों ने प्रयास तो बहुत किया अपने स्तर से और कई बार हमारी बात हुई। पिछली सरकार ने भी यहाँ पर गीडा को एक जमीन खोजने के लिए कहा था, मगर यहाँ के गीडा के अधिकारियों ने जमीन खोजा, लेकिन उनके लिए वह जमीन पर्याप्त नहीं मिल पाई। और इस सरकार ने भी घोषणा की, लेकिन अभी वो सिर्फ कागजों में रह गया है। भोजपुरी जानकार रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी का कहना है कि 134 बोलियां ऐसी हैं जिनको आगे बढ़ाने का काम इस नाथ संप्रदाय ने किया है। लगभग 134 बोलियां ऐसी हैं जिनको इस नाथ पंथ ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और भोजपुरी में जो बारहमासा है उसके प्रवर्तक भी इसी नाथ पंथ के लोग रहे हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ढंग से, ईमानदारी से, अपने विचारधारा से ही जुड़ करके लोग काम करें तो बड़े ढंग से गोरखपुर में भोजीवुड की वकालत हो सकती है। मनोरम दृश्यों से भरे और पास ही बसे नेपाल के दिल लुभाने वाले नजारों से लबरेज गोरखपुर को आखिर कब योगी सरकार भोजीवुड का तोहफा देगी, इसका कलाकारों को ही नहीं हर किसी को इंतजार है। गोरखपुर में भोजीवुड की अपार संभावना है। यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर मनोरम दृश्य हैं, खेत खलिहान हैं और बगल में पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भी है। तो भोजीवुड अगर यहां बन जाता तो यहां के कलाकारों को भी बड़ा मौका मिलता, रोजी रोजगार के साधन मिलते। और तो और यह समय की मांग भी है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ गीडा में स्थान देने की बात कही थी। अगर मौजूदा सरकार भोजीवुड का निर्माण गोरखपुर में कर ले जाए तो निश्चित ही वह वाहवाही की पात्र होगी और कलाकार उसे हाथों हाथ लेंगे। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।